जिनको बैक पेन है वो इस एक्सरसाइज से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। वेरी गुड, आप अपनी क्षमता अनुसार इसे 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हैं। वेरी गुड, फिर से लेग चेंज करेंगे एक बार और। हाँ, पीरियड्स में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज है ये। सिंपल सिंपल 5 5 एक्सरसाइज रोज सीखते रहिए, शरीर को स्वस्थ रखना है, नहीं तो डॉक्टर्स के पास जाते रहिए, चुनाव हमारा है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो अब इतनी इजी एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज को करके आपको कोई तकलीफ होगी। इसमें जो खास बात है, कोशिश करें आपकी एड़ी पीछे, तुम्हारी थोड़ा सा गैप है, हाँ और पीछे करो इस एड़ी को, हाँ जितना पीछे करोगे उतना इफेक्टिव होगा ये पोज। वेरी गुड, वेरी गुड, रिलैक्स। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज क्या करनी है, इसी में दोनों पैरों को इधर डाउन कर दो, ठीक है, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, ये देख लीजिए, ये घुटने के ऊपर घुटना, और अब इसमें सांस को बाहर निकालते थोड़ा सा ऊपर उठना है, साइड क्रंच, बस आपको यही, ये 1 2, हाथ को वैसे ही रखो खुला, 3 बस, 4 5, आ रहे दबाओ, 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, दूसरी तरफ से ये गैप कम कीजिए, दांत दबाओ पूरा, 1 और उठो, 2 3 4, तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा श्वीना, बैठ के देखो पहले, ठीक नहीं हो रहा, आर ये तीनों ठीक करें एक बार, पहले बैठ के देख लो, फिर से बता देती हूँ मैं, रुक जाओ, फिर से बता रही हूँ मैं, बीच में लाओ पैर को, ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन, जिसमें दोनों हाथों को सिर के नीचे और दोनों घुटने ये मुड़े हुए हैं, देख रहे हो अंजलि, है ना। अब इसमें क्या करना है, घुटने के ऊपर घुटना, ये दबा दिया मैंने थोड़ा, कई लोगों को ना ये गैप बना रहता है थोड़ा सा, अब क्या करना है ये देखो, दोनों हाथ सिर के नीचे, अब ये उठो, 1, ये जो पूरी साइड्स पे इफेक्ट आ रहा है इस चीज को नहीं हिलाना, सिर्फ ऊपरी भाग को, अब किसी का कम उठेगा किसी का ज्यादा, ये अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाना है। वेरी गुड, तो अगर आप 10 में थक जाते तो 5 टाइम्स कर लो। अब चलो, वेरी गुड, शेप के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऐसे नहीं कि आज मैंने बताई और आज हो गई, इतने लेकिन अब सही तरीका आपको पता लग गया। हाँ, रिलैक्स करिए, बॉडी थक जाती है, हो सकता है किसी के यहाँ साइड बाइड में क्रैम्स पड़ जाए, तो चिंता नहीं, जरा सी वॉली भी लगा लेना, नहीं तो कमर का साइज बढ़ेगा तो वॉली भी तो वैसे ही लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, इसको रिलैक्स करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों हाथ सिर के नीचे, दोनों पैर सीधे 30 डिग्री पर उठाइए, बस रोके रहो, बैली फैट, साइड बैली फैट, कमर की चौड़ाई, तीनों चीजें कम होंगी। अब इसमें एक पैर को घुटने से मोड़ो और इधर टच करो, क्रॉस क्रंचेस, 1 वापस, 2 3
चाहिए मध्यम गति, ना बहुत फास्ट करना ना स्लो करना। श्रीना तुम्हारा और बेटर हो सकता है, मेरे को देखो एक बार, मैं क्या करूं। रुको, तुम रुको, श्रीना को मैं टेक्निक बता दूं एक बार, श्रीना को टेक्निक बता दूं मैं। श्रीना क्या करना है, हल्का सा ना, एक तो ये प्रैक्टिस चाहिए, एक ये 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 प्रैक्टिस चाहिए, इस एक्सरसाइज की जो मैं कह रही हूँ तैयारी चाहिए। तो क्या करना, यहाँ की मसल्स तैयार होंगी, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, अभी करेंगे, दस दस बार करेंगे, पहले मैं बता दूं, पहले ऊपरी प्रैक्टिस करेंगे फिर नीचे, फिर बॉडी को उठाया, चेक किया अपनी बॉडी को, कहीं कंपन तो नहीं हो रहा, कहीं पेन तो नहीं हो रहा, फिर धीरे से बॉडी को उठाया, इसको भी रोकना तुम, फिर दोनों चीजों को उठा दिया। पता लग रहा है तुम्हारा तो यहां तक तो आ ही नहीं रहा था, तो उसकी प्रैक्टिस मैं और बता दूं, सामने भी कई लोग हैं तो वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, बिगनर्स के लिए मैं बता दूं, वो एक पैर को यहां रख के और इतनी अमेजिंग। अगर फुल बॉडी स्ट्रेच हो रहा है फिर तो ना वॉल की जरूरत है ना रुकने की, वैसे ही एक्सरसाइज होती है ये, बॉडी उठाई, जब इसका और एडवांस लेवल आ जाता है क्या, यहां पूरी है, कैसे तुम्हारा फैटी लीवर हो जाए, कैसे किडनी खराब हो जाए, मतलब ही नहीं, एकदम आराम आ गया। करो स्टेप बाय स्टेप, मैंने जैसे बताया वैसे ही करोगे। समझ आ रहा है श्रीना, पहले एक एक पार्ट को अलग अलग बताती हूँ मैं, ठीक है। पहले पैर से, हाँ पैर सीधे करो, पहले ये हमारा शवासन है, ठीक है, पैरों को मोड़ो, दोनों हाथों को सिर के नीचे, और हल्का प्रैक्टिस करो ऊपर आने की, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, आपको पास से दिखा दें, एक एक एक्सरसाइज को ध्यान से समझना पड़ेगा, गलत प्रैक्टिस नहीं करनी। दूसरी चीज नहीं, हाँ करो करो करो, हाथों को भी ऊपर ले जाओ, वन वेरी गुड, अमेजिंग, फेशियल हेयर है उसके लिए अभी बता देती हूँ, फेशियल हेयर के लिए पहले ये देख लीजिए, बैक पेन में नहीं, अभी बैक पेन के लिए मैं कुछ और बताऊंगी। ईशिका पटेल जी का कहना है कि बैक पेन में अभी रुक जाओ, बैक पेन में सिर्फ ये उसका पार्ट कर सकते हो आप, पूरी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ये पार्ट कर सकते हो बैक पेन में, लेकिन बैक पेन आप हमसे जुड़े रहिए, बिल्कुल ठीक कर देंगे आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट है, दोनों हाथ सिर के नीचे, क्रॉस क्रंचेज, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी पे लास्ट एक और बस टच करो, और दूसरा पैर सीधा ऊपर नीचे चलाओ, ये एक साथ होगा तब देखिए पेट में कैसे क्रैम्प्स पड़ते हैं मस्ती के, वन टू और ये भरपूर कोशिश शेफाली जी की, इन्होंने बहुत अच्छा तरीका किया कि हाथ से पकड़ के अपना टच कर लिया, अमेजिंग वेरी गुड, हाँ मेहर बहुत अच्छा इन्होंने अपने तरीके से खोज लिया, ये बहुत अमेजिंग प्रयास मेंबर्स का, इनका अंतस योग के मेंबर्स का, दूसरी तरफ से भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स शिफाली, अब बताओ कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, स्ट्रेच में स्ट्रेच आ रहा है। तो एक एक स्ट्रेचिज होते हैं जो कब वेट लॉस और इंच लॉस, कब जो कपड़े नहीं आते थे
वो आने लगे आपको पता ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तो ये सेशन आपको तैयार कर रहा है किसके लिए? बॉडी को एक तो पहली बात एक्टिव रखेगा। जितने आप दिन भर में एक्टिव रहेंगे आपका वेट लॉस अपने आप, क्योंकि जितने एक्टिव रहेंगे उतनी बॉडी की कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही हैं। दूसरा, जब आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि अंदर कुछ हल्कापन आ रहा है तो आप और भी खाने को ड्रॉप करने लगते हो, बाय बाय खाने को कहते हो, बाय बाय। क्यों? क्योंकि अब खाने से ज़्यादा ऊंचा स्वाद चख लिया तुमने। सच बता दो ईमानदारी से, खाने का स्वाद अच्छा है या पतले होने का स्वाद? ईमानदारी से बता दो, झूठ नहीं बोलना। छह साल पुरानी ये बता रही है, टी शर्ट आ गई। वेरी गुड, अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, साइड के लिए एक और चीज बता दूं, मेरी तरफ मुंह कर लो और हाथ के नीचे जैसे तकिया बनाते हैं इसको खड़ा करके रखो, ऐसे उठ पैर को सीधा करो, बिल्कुल बिल्कुल बॉडी सीधी, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए बॉडी। अब एक पैर को उठाते हो, टच करो, वन, इस हाथ को नीचे तक ले आया करो, ऐसे, टू, थ्री, फोर। हाँ, ये जिन्होंने पूछा था ईशिका ने बैक पेन के लिए, आप ये कर सकते हो, पहले वाला जो हमने क्रॉस क्रंचेस किया वो नहीं कर सकते आप। इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है ये, आपको कमर की चौड़ाई कम करने के साथ साथ आपका थाई फैट, आपका बैली फैट भी कम करेंगी ये सभी एक्सरसाइज। लेकिन इसको इसी सीक्वेंस में करना है, कोई भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी आपने। वन, टू, तुम्हारा पैर मुड़ रहा है थोड़ा सा शिफाली, पैर सीधा करो, हाँ और सीधा करो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तुम्हारा उल्टा हो रहा है शिफाली, ये ना हाथ इधर जाएगा, हाथ ऊपर करो और हाँ अब करो, वन, अब वापस, अब ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। आइए वापस सीधे लेट जाइए। किसी ने फेशियल हेयर के लिए पूछा है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है उसके लिए दो आसन करने हैं आपने, सीधे लेट जाइए। बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है वो बता रही हूँ मैं, फेशियल हेयर के लिए, जो कि हमारा हॉर्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं। अब वो किसी भी वजह से जाएं, हॉर्मोन्स मोटापे की वजह से भी हो सकता है, कोई सी चीज़ का आप स्ट्रेस ले रहे हो तो भी, और अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी। तो ये रीज़न आप खुद में ढूंढो, लेकिन मैं आसन बता रही हूँ, ठीक है। पहले आप सांस ले लो, पूरा सांस लो, पूरा सांस छोड़ो, पैर सीधे करो ऋषिका, पूरा सांस लो, पूरा सांस छोड़ो। फिर उसके लिए क्या करना है, दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखो, राइट पैर को घुटने से मोड़ लो, नीचे जमीन पे ही रखो, जमीन पे ही रखो, खड़ा करके खड़ा करो, बस। अब लेफ्ट पैर को 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, और दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। ये जैसे हम खड़े होके करते हैं हस्त पादांगुष्ठासन, उसी की वेरिएशन है, उसी का मॉडिफिकेशन है, जिसमें आपके जितने स्पाइन पे चक्र हैं वो सब एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर नहीं पकड़ में आ रहा पैर का अंगूठा तो आप ऐसे गैप बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलैक्स। लेग चेंज, 30 डिग्री पर उठाइए, रोको, पेट में दबाव को महसूस कीजिए। जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उत्तान पादासन की वेरिएशन है ये, इसमें हमारा मणिपूरक चक्र वो एक्टिवेट होता है, उसकी एनर्जी क्रिएट होते ही हमें भूख सेट होती है। जिनको बहुत ज़्यादा भूख कम लगती है तो भी, ज़्यादा लगती है तो भी। अगर आपका पैर का अंगूठा नहीं पकड़ में आ रहा तो आप शेफाली जी को देखोगे, नहीं तो मेहर को देखो, इसने बहुत अच्छा पकड़ लिया है पैर का अंगूठा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन,
टेन, धीरे से वापस, दोनों पैर सीधे। इसी में अब हम थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए मत्स्य आसन। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे हल्का सा और अपर बॉडी को उठा दो गर्दन पीछे की ओर। ये 1 2 सांस पर श्वास को नॉर्मल रखिए। 3 जितना भी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है वो 100% रिमूव होगी। जैसे आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस उतरेगा भीतर, इस पोस्चर को 10 सेकंड तक होल्ड जरूर करना है। अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन टिका दीजिए नीचे, टिकाइए नीचे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अभी ऊपर ही रखें गर्दन, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, बस नीचे टिका लो लेकिन फेस चेहरा ऊपर, चिन्ह आपकी ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 फिर से गर्दन सीधा कीजिए, सांस को रिलैक्स होने दीजिए। एक बार अभी हम फिर से करेंगे, सांस ले लीजिए, फिर से कीजिए, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखते हुए। ये हम बता रहे हैं हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए मत्स्य आसन। कंधे को उठाइए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। उसके बाद हमारा मेन आसन जो हमारे मणिपूरक चक्र के लिए और अनाहत चक्र के लिए, सांस को बाहर निकालते हुए एक पैर के अंगूठे को नॉस्टल से लगाते हुए। 1 2 3 दूसरे पैर को 30 डिग्री पर हवा में रखो तो और मज़ा आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गहरा सांस दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों के बीच में से दोनों हाथों को निकालते। जिनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनको भी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आपको उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बहुत ही अमेजिंग आसन जिसमें हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। बस श्वानी, हाँ स्वीना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, बस उसे होल्ड किए रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नो, वापस आने का तरीका बिल्कुल 90 डिग्री, हाथ नीचे, रोके रहिए। 1 2 3 4 5 रुक जाओ, अभी इसी में एक और चीज़ याद आ गई, वो भी बता देती हूँ तुम्हें साथ साथ। अब दोनों पैरों के तलवों को मिलाओ और धीरे से नीचे लाओ, सांस को बाहर निकालते। 1 और नीचे तक लाओ, और नीचे लेकिन ज़मीन पे नहीं रखना, बस 1 2 3 4 5 फिर से सांस को बाहर निकालते, फिर से सीधा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 फिर से पैरों को मोड़ते नीचे लाइए, नीचे लाइए, होल्ड करेंगे, दोनों पैरों का भार पेट पर पड़ने दीजिए। 1 2 3 4 5 फिर से सीधा कीजिए और धीरे से वापस आने के लिए 60 डिग्री पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 30 डिग्री, 1 2 3 4 5 और धीरे से रिलैक्स। दोनों हाथ थाई से बराबर रखते हुए रिलैक्स शवासन। 20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद मैंने एज यूजुअल, जैसा कि हम बताते हैं, आंखें बंद, गहरा सांस, पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। मैंने बताया था त्रिदोष वात पित्त कफ की समानता के लिए यही वो समय है जब भीतर बैलेंस को उतारना है। याद रखिए, अगर आपको वात रोग ज़्यादा है, वायु से संबंधित रोग है जिसमें हमारा अर्थराइटिस, नी पेन, पैरों की समस्या, एड़ी पंजे में दर्द आता है, तो उसमें हम इस समय शव आसन के समय अपना पूरा ध्यान पैर के अंगूठे, उंगलियों, पिंडलियों, घुटने, जंघाएं, पेट, कमर, हिप्स तक रखेंगे अपने ध्यान को। ध्यान का केंद्र नाभि से नीचे,
पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपको वायु रोग ज्यादा है, अगर आपको पित्त रोग तंग करता है, एसिडिटी बनती है, हाइपर एसिडिटी, खाना ठीक ढंग से नहीं पचता, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने ध्यान को नाभि के आसपास रखेंगे, एक गहरा सांस लेंगे, छाती और पेट को फुलाएंगे, सांस को छोड़ेंगे। इसी में हमें आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों का फायदा होगा। अगर आप पाचन से संबंधित किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका निदान आप नहीं पा रहे हैं, तो हमें इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए। इसके पश्चात अपने ध्यान को, अगर आपको कफ से संबंधित समस्याएं हैं, तो अपने ध्यान को चेस्ट, गला और पूरे चेहरे पर ले आए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज के बाद रिलैक्सेशन का कहिए, विश्राम पूर्ण अवस्था कहिए, मेडिटेशन कहिए, भीतर की सुखद स्थिति कहिए, नाम कोई भी दीजिए, एक्सरसाइज के बाद ये रिलैक्सेशन किस लिए? वात पित्त कफ की समानता के लिए। पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, सांसों पर ध्यान, पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए।